कक्षा नाइन्थ, कक्षा नाइन्थ, विषय है संस्कृतम। क्या है? संस्कृतम। आप लोगों को मैं हिंदी से संस्कृत बनाने सिखा रहा हूँ, हिंदी से संस्कृत बनाने सिखा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सामान्य बातें किया था, आज मैं मध्यम पुरुष के वाक्य बनाने बताऊँगा, क्रियाओं का प्रयोग करके। जैसे मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, एक वचन में होता है। तुम का मतलब होता है तुम, ठीक है। द्विवचन में होता है युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दो। और बहुवचन में होता है यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। तुम, युवाम, यूयम, इनको माध्यम क्रिया इनके साथ कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम पढ़ते हो। अब तुम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तुम। तुम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तुम। अब पढ़ते हो, तुम कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो पट धातु के मध्यम, ध्यान है वर्तमान काल के सारे वाक्य है, तो पट धातु के वर्तमान काल लट लगा के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? पठसी। क्या होता है? पठसी, यानी तुम पढ़ते हो। अब आ जाए तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो। तुम दो के लिए क्या आता है? युवा, पढ़ने के लिए। मध्यम पुरुष के द्विवचन, यानी पठ धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या आ जाएगा? पाठ था, ठीक है। अब आ जाए नंबर तीन पे, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब के लिए क्या आता है? यूयम, पढ़ते हो के लिए क्या आ जाएगा ये देखना है। तुम सब के लिए यूयम, पढ़ते हो। अब यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो पठ धातु के बहुवचन में यूयम पठ, ये तो पठ धातु के माध्यम करके बना लिया। अब किसी और धातु के, जैसे जाने को नंबर चांद पे कह दिया जाए, तुम जाते हो, तुम के लिए क्या आ जाता है? तुम। क्या आ जाता है? तुम। अब जाना क्रिया हो रही, यानी मध्यम पुरुष के गम धातु के एक वचन क्या हो जाएगा? गच्छसि। तुम जाते हो, यानी तुम गच्छसि। क्या हो गया? तुम गच्छसि, तुम जाते हो, यानी तुम गच्छसि। अब अगला सेंटेंस नंबर पाँच पे, तुम दो जाते हो। तुम दो के लिए क्या आता है? युवाम, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो गम धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है? गच्छथ, गच्छथ। नंबर छः, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तुम सब के लिए क्या आता है? यूयम। क्या आता है? यूयम, जाते हो, यानी गम धातु के मध्यम पुरुष का बहुवचन गच्छत, यूयम गच्छत। तो इस प्रकार से आप क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, कहाँ पे किस क्रिया को लगाना है ये आपको समझना है। यदि आप समझ गए तो सरलता से बना सकते हैं। धन्यवाद।